श्री संतोष सिंह चौधरी जी, संतोष सिंह चौधरी जी। धन्यवाद सभापति जी, आपने मुझे डिमांड फॉर ग्रांट्स फॉर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे पे बोलने का मौका दिया है। तो मैं अपने संसदीय क्षेत्र की जो मुख्य रेलवे के प्रति मुद्दे हैं वो आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। जिलंधर मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, रेलवे लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, और ये दुआबे का रीजन का सबसे महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट है। और फ्लोर जो सब डिवीजन है ये गेटवे ऑफ दुआबा इसको कहा जाता है। तो मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि ये जितने भी दिल्ली साइड से और नवांशहर साइड से जितना भी ट्रैफिक आता है, जिन्होंने दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में फिरोजपुर, मोगा, तरन तारण जिन्होंने जाना होता है, तो उनको ये जो लेवल क्रॉसिंग नंबर B6 है, फिलौर नूरमहल रोड इसको कहा जाता है, उससे गुजरना होता है। तो इसमें इतना ट्रैफिक होता है, एक दूसरी तरफ FCI के गोडाउन है, वहाँ स्पेशल्स लगती हैं, तो ये एक बहुत बड़ी कठिनाई है फिलौर का जो शहर है उसके लिए। तो मेरा ये निवेदन है कि यहाँ पे एक ROB इस पे बनाया जाए। इसी तरह इसके आगे गुराया टाउन है जिसको मानचेस्टर ऑफ पंजाब कहा जाता है, क्योंकि यहाँ एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स बनते हैं। तो यहाँ का जो रेलवे क्रॉसिंग है, जो लेवल क्रॉसिंग है, वो सिटी के अंदर है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत बड़ी कठिनाई होती है, ट्रैफिक भी बहुत कठिनाई होती है। तो मैं उसके लिए प्रपोज कर रहा हूँ कि ये डलेवर लेवल क्रॉसिंग S83 इस पे एक RUB अंडरपास जो बनाया जाए। सभापति जी, ये जो मुद्दे हैं ये मैं 16वीं लोकसभा से इनको उठा रहा हूँ, और ये मेरे जिले के सबसे ये दो कठिन जो लेवल क्रॉसिंग है। तो मेरी ये गुजारिश है मंत्री जी यहाँ विराजमान है कि इसकी तरफ ध्यान दिया जाए। और तीसरा मेरा जो जलंधर सिटी है, यहाँ जो एक जो बाईपास बना है जो गुरदासपुर अपने अमृतसर को जाता है, बॉर्डर को जाता है, तो वहाँ PAP जो बाईपास बना है, वहाँ 4 लेन जो फ्लाईओवर बना है, लेकिन वहाँ जो ROB है ऑलरेडी वो सिंगल लेन का है, तो इसमें बहुत भारी कठिनाई आती है, ट्रैफिक को बहुत बड़ी कठिनाई आती है। तो मेरा ये निवेदन है कि इसको भी जल्दी से जल्दी उसको वाइडन किया जाए। ऑलरेडी ये प्रपोजल नंबर मेरा का 69 है, ऑलरेडी अंडर प्रोसेस है, लेकिन ट्रैफिक को देखते हुए मेरा निवेदन है कि इसको जल्दी से जल्दी ये किया जाए। इसके अलावा मैं ये भी बेनती करना चाहता हूँ कि जो वंदे भारत एक्सप्रेस जाती है, जलंधर कैंट से गुजरती है, और जलंधर से बहुत सारे पिलग्रिमेज और लोग वहाँ उस पर सवार होना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, तो मेरा ये निवेदन है इसको भी चंद मिनटों के लिए वहाँ रोका जाए। सभापति जी, मेरे संसदीय क्षेत्र का करतारपुर जो टाउन है, ये नॉर्दर्न इंडिया की सबसे बड़ी फर्नीचर मार्केट है, तो मेरी ये निवेदन है कि यहाँ से बहुत सारी पहले जो ट्रेनें यहाँ रुकती थी अब नहीं रुकती, तो मेरा निवेदन है कि यहाँ से जो करतारपुर रेलवे स्टेशन है वहाँ से अमृतसर देहरादून एक्सप्रेस, अमृतसर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, दादरा एक्सप्रेस और कठार एक्सप्रेस, ये जो ट्रेन्स हैं इनको वहाँ हॉल्ट किया जाए। इसी तरह फिलौर रेलवे स्टेशन से हेमकुंट एक्सप्रेस, सचखंड एक्सप्रेस, शाने पंजाब और पश्चिम एक्सप्रेस, ये वहाँ इनको स्टॉपेज दिया जाए। इसी तरह गुराया, क्योंकि ये एक बड़ा इंडस्ट्रियल टाउन है, वहाँ से अमृतसर दिल्ली एक्सप्रेस, अमृतसर देहरादून एक्सप्रेस, अमृतसर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, दादर एक्सप्रेस और कैथर एक्सप्रेस, ये वहाँ रोकी जाए। इसी तरह सभापति जी, एक थोड़ा सा मैं और दो, नकोदर एक सब डिवीजन है
यहाँ पे बहुत बड़े दो अध्यात्मिक जो धार्मिक स्थान है, मुराद शाह का मज़ार है और लाद बादशाह का मज़ार है, लाखों लोग वहाँ प्रणाम करने आते हैं। तो मेरा ये निवेदन है कि यहाँ एटलीस्ट एक कोई एक्सप्रेस सुपरफास्ट ट्रेन जो दिल्ली को कनेक्ट करे थ्रू जलंधर फिरोजपुर, ये वहाँ से चालू की जाए। एक मेरा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, मैं मंत्री जी से इसके लिए मिल भी चुका हूँ कि जो जलंधर का रेलवे स्टेशन है उसको हम स्मार्ट रेलवे स्टेशन बनाना चाहते हैं, और हमने उसको जो स्मार्ट सिटी जो मिशन है उसके तहत उसको हमने इंक्लूड किया है। वहाँ हमने शुरू किया था कि उसका जो आउट जो पार्किंग एरिया है, फसाद है, उसका हमने शुरू किया था, हमने 6 करोड़ रुपया फंड हैं स्मार्ट सिटी मिशन से, वो भी रेलवे को दिए हैं। लेकिन अभी ग्रीन एरिया बनाया, आगे जो फसाद है उसका डिज़ाइन नहीं मिला, जो अंदर एस्केलेटर लगना है उसका नहीं लगा, जो फुट ओवर ब्रिज है वो उसकी तरफ अभी ध्यान नहीं दिया गया। इसी तरह जलंधर के जो रेलवे स्टेशन उसका प्रेशर कम करने के लिए हम एक सेकंड एंट्री दूसरी साइड पे चाहते हैं, वो भी हम स्मार्ट सिटी मिशन से उसको फंड करना चाहते हैं, तो उस पर कोई 15 करोड़ रुपया खर्च आना है। तो उसके लिए हमने इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट से लैंड भी दे दी है रेलवे को, जो जितनी भी फॉर्मेलिटीज है हमने वो कर दी है। तो मेरा मंत्री जी बैठे, मेरा निवेदन है कि इस जो प्रोजेक्ट है उसको एक्सपीडेट किया जाए, आदेश दिया जाए रेलवे डिपार्टमेंट को कि ये फंड्स हम देना चाहते हैं, हम स्मार्ट उसको करना चाहते हैं, तो रेलवे डिपार्टमेंट की हम मदद करना चाहते हैं। तो मेरी ये निवेदन है कि इसको एक्सपीडाइट किया जाए। एक मेरा लास्ट पॉइंट वो है कि फ्लोर का जो सतलुज दरिया है उस पर एक महात्मा गांधी जी का धाम बना हुआ है। महात्मा गांधी जी का 1948 में जो एशेस वहाँ जल प्रवाह किए गए थे, तो वहाँ एक मेमोरियल बना हुआ है बहुत बड़ा, और हजारों लोग वहाँ प्रणाम करने आते हैं। लेकिन वहाँ जो अप्रोच रोड है वो पहले नेशनल हाईवे था, नेशनल हाईवे नया बन गया, वो अबंडेंट है, उसको हम ठीक करना चाहते हैं, उसको नया बनाना चाहते हैं। उसके जो साइड्स हैं वो रेलवे प्रॉपर्टी है, वहाँ अब गोबर पड़ा है, चारा पड़ा है। तो मैं मंत्री जी से निवेदन पर्सनली भी किया था कि हमें इजाजत दी जाए कि हम उसको लैंडस्केपिंग कर सकें, ताकि जो लोग वहाँ प्रणाम करने जाते हैं वो अच्छे वातावरण में वहाँ जाएं, क्योंकि राष्ट्रपिता का स्थान है। लेकिन मुझे ये बताया गया कि ये बोर्ड ने ये फैसला किया है कि जो रेलवे प्रॉपर्टी है उसको ब्यूटीफाई नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। लेकिन जो ऐसे मेमोरियल हैं जहाँ जिनकी बहुत महत्ता है, उनके लिए ये एग्जम्पशन हो, ताकि हम लोग इंक्रोच कर रहे हैं रेलवे प्रॉपर्टीज ऐसे जो पड़ी हैं, अबंडेंट पड़ी हैं, लेकिन हम उसको मेंटेन करना चाहते हैं, उसको हम ब्यूटीफाई करना चाहते हैं। हम महात्मा गांधी जी का मेमोरियल है वहाँ लोगों को सहूलत देना चाहते हैं कि वो वहाँ जहाँ प्रणाम करें। सो मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि इस पर भी ध्यान दिया जाए, ये जो रूल्स ऐसे बने उनको चेंज किया जाए, ताकि हम महात्मा गांधी जी को हम अच्छी श्रद्धांजलि दे सकें, अच्छा वातावरण दे सकें। धन्यवाद। थैंक यू।